तेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपकी डिमांड को फुलफिल करते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रेडिशनल वे से गाजर का हलवा बनाना। ट्रेडिशनली जो तरीका रहता था गाजर के हलवे बनाने का, वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन जो रिजल्ट थे वो बहुत ही फाइन थे। यानी कि इस हलवे को जब आप बना के खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दूध से बनाया जाता था, और जब आप इसे बना के खाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे किस प्रकार से बनाना है, इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है, चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने ली है आधा किलो गाजर। गाजर को मैंने धो के, छील के और कद्दूकस कर लिया है। आधा किलो गाजर के लिए मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 1.25 से 1.5 लीटर दूध। अब क्योंकि ये गाजरें कम है तो मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब 1.25 लीटर या 1.5 लीटर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जो हम लेंगे बर्तन, वो हैवी बॉटम का बर्तन होना चाहिए। दूध को हमने बॉईल करना रख दिया है। दूध में जैसे ही उबाल आएगा हम इस गाजर को इसके अंदर डाल देंगे। दूध में जो है वो उबाल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हमने जो गाजर को कद्दूकस किया है इसे इसके अंदर डालेंगे। जब भी आप गाजर का हलवा ट्रेडिशनल वे से यानी कि इस तरीके से बनाएं, तो बर्तन जो लें, कढ़ाई वगैरह हैवी बॉटम की कढ़ाई लें और कढ़ाई में ही बनाएं, खुला बर्तन लीजिए ताकि दूध जो है वो अच्छे से साथ साथ में कड़ता रहे और रिड्यूस होता रहे। गैस की जो फ्लेम रहेगी वो लो और मीडियम ही रहेगी। लो और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। जब भी आप हलवा बनाएं, साथ में दूसरे काम यानी कि खाना वाना बनाना साथ में एक चूल्हे पे करते रहिएगा, दूसरे पे ये हलवा बनता रहेगा। ये जो तरीका था ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशनली वे है, बहुत पारंपरिक तरीका है। इसमें दूध को कम गैस पे बॉईल करके उसके साथ गाजर को पकाया जाता है। गाजर को पूरी तरह से पकने तक हम इसे पकाएंगे। गाजर के साथ दूध में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को या इंडक्शन की फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर देंगे। लो टेम्परेचर पे ही आप इसे पकाएंगे। इसे पकने में अभी कम से कम 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद में हम इसे चेक करेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ इसी पर टाइम कंज्यूम ना किया जाए, तो साथ साथ में आप खाना बनाते हुए इस काम को कीजिएगा, क्योंकि बीच में एक या दो बार हमें इसे हिलाना होगा, तो दूसरा काम करते हुए साथ साथ में ये हलवा भी तैयार हो जाएगा। तो 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं कि इसकी क्या स्टेज रहती है। वैसे इस हलवे को बनने में लगभग 1 घंटा लगेगा। मुझे इसे पकाते हुए 35 से 40 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे होंगे दूध जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। मैंने इसे बीच बीच में चलाया है, साइड्स को इस तरीके से निकालते हुए हम इसे बीच बीच में, जब आप हलवा बनाएं तो बीच बीच में से इस तरीके से चलाते रहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधा किलो गाजर ली थी तो आधा किलो ही मैं चीनी ले रही हूँ। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो इसे कम कर सकते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा खाते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। हमने चीनी को इसी स्टेज पे डालना है, इससे पहले हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे, वरना हलवा जो है खाने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा। और इससे बाद वाली जो स्टेज में अगर आप चीनी डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे उबली हुई गाजर आप खा रहे हैं। तो इस स्टेज पे डालने के बाद ये अगेन चीनी पानी छोड़ेगी और हमने इसको पूरा कुक होने तक पकाना है। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें इसी वक्त ऐड कर सकते हैं, इससे पहले इलायची पाउडर भी ऐड नहीं करना है। चीनी डालने के बाद आप इसे छोड़ नहीं सकते, यानी कि आपको इसका पूरा ध्यान रखना होगा। दूध के साथ पकाई जाने वाली कोई भी रेसिपी है, चाहे आप खीर बनाएं या गाजर का हलवा बनाएं या फिर कोई और रेसिपी बनाते हैं, जब आप चीनी डाल देते हैं तो चीनी डालने के बाद उसका पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि चीनी डालने के बाद उसमें बर्न होने की स्टेज आ जाती है। यानी कि अगर आपने नहीं चलाया तो फिर वो नीचे चिपक सकता है बंदे में। इससे पहले अगर जब हमने गाजर को दूध में पकाया था उस वक्त अगर आप कम भी चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलाना जो है वो हल्के हल्के हाथ से ही चलाना है और बीच बीच में चलाना है, यानी कि एक एक दो दो मिनट के इंटरवल पे आप इसे चलाएंगे और इसे पूरी तरह से कुक करेंगे। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बिल्कुल नहीं चलाइएगा। मैंने बहुत जगह देखा है कि जो हमारी रेसिपी रहती है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाता है, वो नहीं करना है। गाजर अगर लच्छे में हमने कद्दूकस की है तो ये ऐसे ही रहनी चाहिए, बिल्कुल इसका वो हमने मलीदा कहते हैं ना, मलीदा नहीं निकालना है। तो इसे हल्के हाथ से चलाएंगे तो गाजर एजिटिज रहेगी और हलवा नीचे से चिपकेगा नहीं। हलवा जो है वो पकने की स्टेज पे आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे नट्स।
नट्स आप अपनी चॉइस के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, कुछ भी लीजिए। मैंने यहाँ लिया काजू और किशमिश। काजू को मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। मैं आज इसमें सिर्फ दो ही नट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और नट डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट, जब तक ये पानी जो है पूरी तरह से ना सूख जाए, तब तक पका लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद हमें इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही कुक करना है। यानी कि 1 से 2 मिनट, जब आपको लगे कि 1 से 2 मिनट रह गए हैं हलवा कुक होने में, तभी आप इसमें नट्स को डालिए। और नट्स के साथ इसे 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे। हलवा जो है हमारा पक गया है। इंडक्शन को मैं बंद कर दूंगी और इस हलवे को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस गाजर के हलवे को ज़रूर से बनाइएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो फ्रोलिक स्टिच को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट में लिखकर बताना भी ना भूलिएगा कि आपका गजरेला गाजर का हलवा, गाजर पाक कैसा बना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।